नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 4 में, जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि सीएम सिटी करनाल में चोरी की वारदात हो, लूट की वारदात हो, डकैती की वारदात हो, वो थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ऐसे में करनाल शहर काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि मशहूर इस वजह से है क्योंकि आज जो चोरी की वारदात देखने को मिली है उसमें सबसे खास बात यह रही कि चोर करेटा गाड़ी से उतरते हैं। जी हाँ, करेटा गाड़ी में बैठे हुए चोर, ना जाने वो करेटा गाड़ी उनकी अपनी थी या फिर वो भी गाड़ी चोरी की थी, लेकिन करेटा गाड़ी में चोर आते हैं। और इस नई इको गाड़ी का, जिसका हाल ही में अभी शुभारंभ हुआ, यानी कि इन्होंने हाल ही में ये गाड़ी ली, लगभग एक हफ्ता भी इनको ये गाड़ी लिए हुए नहीं हुआ, 6.5 लाख की इको गाड़ी में जो नया साइलेंसर था वो चोर निकाल कर ले जाते हैं। आज सुबह जब ये गाड़ी चलाई जाती है, इनके जो गाड़ी के मालिक हैं वो इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद काफी तेज आवाज इस गाड़ी में से आती है, जिसके बाद ये पूरी गाड़ी को चेक करते हैं। तो इसके बाद इन्हें अंदाजा लगता है, ये देखते हैं कि नीचे की जो तस्वीरें हैं काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि निचला हिस्सा ही गायब है। बताया जा रहा है कि नीचे से साइलेंसर गायब हो जाता है। जब सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है, ये इस तरफ आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा है, जिसमें पूरी फुटेज आई है कि किस तरीके से रात लगभग 4:30 बजे के करीब करेटा गाड़ी में दो चोर आते हैं और इस गाड़ी का साइलेंसर लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 4 चौकी की पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सीसीटीवी कैमराज खंगालते हुए पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इको गाड़ी के मालिक भी यहाँ पर हैं, जिन्होंने हाल ही में 6.5 लाख लगाए इस गाड़ी को खरीदा, और काफ़ी ज़्यादा आज निराश हैं क्योंकि 60 से 65 हज़ार रुपये का इनका नुकसान हो गया। इन्होंने नहीं सोचा था कि एक हफ्ते पहले मैं गाड़ी लूँगा और 60 से 65 हज़ार रुपये का नुकसान इनको झेलना पड़ेगा। अंकल जी रो रहे हैं आप, कब पता लगा आपको कि चोरी हो गई है? सुबह पता लगा जी। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह जी। कब लिए? अभी एक सोमवार को ही लिए। कोई बात नहीं, संभालो आप खुद को। तो कैसे पता लगा, क्या चोरी हुआ इसमें से? साइलेंसर चोरी हुआ है, सुबह स्टार्ट करी जब पता लगा इसका। कैमराज में कोई दिखा है कौन चोर? गाड़ी कार नजर आ रही है, दो लड़के नजर आ रहे हैं। करेटा गाड़ी से उतरे हैं वो? हाँ जी। पहचानते हो आप उनको? कोई पहचान में आया? वो कैमरे में ही आ रही है जी फोटो दोनों की। इनके बेटे भी आप देख सकते हैं, उनकी भी आंखों में आंसू हैं। आप समझ कर देखिए कि एक परिवार किस तरीके से पैसे जोड़ जोड़ कर, पाई पाई जोड़ कर उम्मीदें सजाता है, एक गाड़ी लेकर आता है जो कि एक नया मेंबर भी होता है, एक नया सदस्य भी होता है उनके परिवार में, और सोचता है कि उस गाड़ी से वो दो पैसे कमा पाएंगे, क्योंकि ये इको गाड़ी इन्होंने इसलिए ली ताकि ये आने वाले समय में सवारियाँ भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सके और परिवार को थोड़ा सा मुनाफा हो। लेकिन यहाँ पर मुनाफा तो क्या होना था, परिवार के आंटी जी भी हैं यहाँ पर जो काफी ज्यादा रो रही हैं। आंटी क्या नाम है आपका, कब आपको पता लगा? तड़के लगे पता बैठे मैं बस आवा सुकूला की और एक साइड में कर दिए मखा आते फिर तिरंग लगाने लग गया था, सब टूटे फूटे सारे पैंच पोच खंड खोल रखे, चलिए कोने गाड़ी से जब फिर यार उन्हें खड़ी करी, फिर खोल कर देखा था, देखा कुछ भी कोने गाड़ी में। अभी तो किस्तें स्टार्ट ही हुई थी? नहीं, किस्त भी नहीं है सर, एक भी जा लीजिए, परसों सोमवार ने तो लिए हैं, सोमवार ने लिए है, सोमवार ने सांझ का 3 बजे लाए सोमवार ने, अदा तड़के करना क्या स्टार्ट आधा स्टार्ट ना हुई भला, इसमें तो सारा सामान काट रखे गाड़ी का। कितने का नुकसान हुआ है अभी? पता नहीं, तिरंगा बेटे 60 से 65 हज़ार बोल रहे हैं वो तो 70 हज़ार के। 70 हज़ार का नुकसान हुआ तिरंगा बेटा, कितने का नुकसान हो रहा है? तो पाई पाई करके जोड़ा था कि पहले इसको खरीदा जाए कुछ। हाँ जी, कुछ लोन लिया, कुछ करा जोड़ जोड़ कर रहे हैं, हम खाली गाड़ी ले ले चला लिया करेगा, और काम को बस का नहीं रह रहा, मतलब मिस्त्री का काम करा करता, वो मिस्त्री का काम एलर्जी होने लगी हथा में, नोला गाड़ी लूंगा मैं किस्ता पर और गाड़ी चला लिया करूंगा, मुझे ठीक है। पहले भी आंटी कभी चोरी हुई है यहाँ पर? पहले था हुई थी चोरी, पहले भी क्या कुछ चोरी हुआ? पहले वन थी पुरानी, वो भी उठा ले गए थे एक भी नहीं, वो क्या ले गए थे उठा के? ये वन थी। अच्छा। हाँ वो दुबन पाई थी एक भी नहीं में, वो भी उठा के। हाँ, आज गेट तोड़ने की सोच रहे थे, मंगा गेट तोड़ कर थोड़ा गेट करेंगे, वहाँ भीतर कर लिया करेंगे गाड़ी, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी अंदर खड़ा करेंगे। हाँ, आज कर रहे हैं तो आज ये नुकसान हो गया, इतना इतना सोचा ही था, इतना नुकसान हो गया। मैं पहले कर दिया, मैं गेट तोड़ ले कभी तरह अंदर कर दिया करेंगे खड़ी, अब तो कल तोड़ेंगे।
हाँ तोड़ेंगे था गाड़ी का नुकसान। पुलिस मौके पर पहुंची है, क्रेटा गाड़ी भी दिखाई दे रही है चोरों की, दोनों चोर भी सीसीटीवी फुटेज में आए हैं। अपील करेंगे करनाल के एसपी साहब से कि कार्रवाई हो, उन चोरों को पकड़ा जाए और जो सामान है भरपाई होना हो, लेकिन चोरों को पकड़ा तो जाए पहले। ठीक है, किसी और की चोरी ना करें वो। ठीक है बेटे, करेंगे एसपी साहब से कोई अपील। ठीक है, तो एसपी साहब से अपील यही है, क्योंकि देखिए करनाल में चोरी की वारदातें हो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और रात के समय में किस तरीके से 70,000 का इनका नुकसान हो जाता है। इस तरफ से ये देखिए निचला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इको गाड़ी का निचला हिस्सा है। अभी सोमवार को ये गाड़ी लेकर आए हैं, किस तरीके से गाड़ी अभी इन्होंने चलानी ही थी और आज जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। अंदर पुलिस की टीमें भी पहुंची हुई हैं सेक्टर 4 चौकी से, जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और आसपास के भी आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी धीमान, IBP24 में आपका स्वागत है। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं देख रहे हैं, और जो पुलिस हैं वो भी आ चुके हैं। हम आपको CCTV कैमरे फुटेज दिखाने चाहेंगे कि किस तरह से चोर आते हैं और चोरी करके ले जाते हैं। क्रेटा गाड़ी में आते हैं, दो व्यक्ति आते हैं और किस तरह से वो लेके जाते हैं हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हम आपको CCTV फुटेज दिखा रहे हैं, ये गाड़ी आ रही क्रेटा गाड़ी, आप देख सकते हैं कि इको गाड़ी इसके ही पीछे खड़ी है। इसमें से अभी आप देखेंगे कि जो क्रेटा गाड़ी है वो रुक चुकी है, अभी आई थी वो रुक चुकी है और पीछे ही इको गाड़ी खड़ी हुई है। अभी इसमें से कोई व्यक्ति नहीं निकला है, अभी वो सिर्फ देख रहे हैं कि आसपास कोई है तो नहीं। अभी इसमें से जैसे आप देखेंगे कि इको गाड़ी बिल्कुल ही पीछे खड़ी है और क्रेटा गाड़ी में से अभी तक कोई नहीं निकला। अब क्रेटा गाड़ी में से एक व्यक्ति निकलता है और वह देख रहे कि पिछली साइड जाता हुआ आपको नज़र आएगा। जो उसमें से व्यक्ति निकला है वो थोड़ी देर खड़ा हो गया और अब वो पीछे की साइड जा रहा है और वो इको गाड़ी के पास जा रहा है। आपको शायद दिख रहा होगा, हम देख दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो गाड़ी के पास जाता है और देखता है, और एक व्यक्ति गाड़ी में ही बैठा है। दो व्यक्ति आते हैं क्रेटा गाड़ी में, जिसमें से एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और एक इको गाड़ी के पास जाता है और नीचे झुटकी है उसका जो साइलेंसर है वो उनकी कोशिश करता है। आप देख सकते हैं पीछे से एक व्यक्ति और है जो दिख रहा है, पीछे एक व्यक्ति और खड़ा है पीछे जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, पर वो साफ नहीं नज़र आ रहा है, ना रही तो गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। और अभी यहाँ से बाइक भी जाती है, चोरी हो रही है और बाइक भी जाती है, फिर भी नहीं देखा किसी ने। पीछे से भी एक बाइक जा रही है, आप देख सकते हैं कि रात के 7:17 का टाइम है और जिसमें से दो बाइक गई हैं, एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे है और एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर है और किसी ने इसको नहीं देखा और वो इतनी आसानी से यहाँ से चोरी करके ले जाता है। और एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही बैठा है और एक व्यक्ति अभी इको गाड़ी में से साइलेंसर निकालने की कोशिश कर रहा है। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे इसको निकाल रहे हैं। आपको किसी पे इसका शक है कि कौन ऐसा कर सकता है? नहीं मैम, शक तो नहीं है, ना किसी से दुश्मनी है, ये तो मैं चोरों का ही काम है मैम ये। और लेकिन हमारी पहले भी चोरी हुई थी, पहले भी चोरी मधुबन थाने से रिकवरी हुई थी उसकी, कई साल पहले ली थी हमने, लेकिन अभी ये गाड़ी ली थी इंस्टॉलमेंट में 6/35 की, तो अभी एक दो दिन ही मंडे को ही लाए थे मैम। और आज मैम ये चोरी हो गई, साइलेंसर चोरी हो गया, इसकी कीमत भी 65,000-70,000 बता रहे हैं और एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं गई है मैम। तो अभी आपने जो अपनी रिपोर्ट जो दर्ज करवाई है तो कुछ अपील करना चाहेंगे कि? रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, एसपी साहब से अपील करना चाहेंगे कि दोषियों पुलिस सख्त कार्रवाई हो। मैम दो नट है, ये दो नट है आपके, सर खोल के ले गए हैं सुबह, ये मिले थे जैसे गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी के नीचे मिले, गाड़ी भी जी गाड़ी के नीचे मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि अभी इनको किसी पे शक नहीं है और जो दो व्यक्ति क्रेटा गाड़ी में आए हैं उसमें से एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही बैठा है और एक व्यक्ति गाड़ी के पास इको गाड़ी के पास लिया है, उसका साइलेंसर निकालने की कोशिश कर रहा है। और वहीं से एक बाइक पीछे से जाती है और एक बाइक आगे से आती है और एक व्यक्ति पीछे भी खड़ा हुआ नज़र आता है, पर फिलहाल इसमें अभी नहीं दिखाई दे रहा, वो चला जाता है। और किसी ने नहीं देखा कि इको गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है जो साइलेंसर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई साजिश हो सकती है इसमें? इसके ऊपर साजिश ही हो सकती है मैम, क्योंकि मंडे को गाड़ी आई थी
और एक दो दिन जैसे चोरों ने देखी होगी, रेकी करी होगी भी नई गाड़ी आई है, पड़ोस में ही पता चल जाता है, स्टेटस वगैरह भी डालते हैं फोन वगैरह पे। तो भी सेक्टर 4 चौक की मैम दरखास्त लिखवाई है, तो उसमें जैसे ये आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट जो इन्होंने दर्ज करवाई है ये वो रिपोर्ट है। और जैसे अभी आपने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में जब वो निकाल रहे थे, एक व्यक्ति जो इको गाड़ी के नीचे अंदर बैठा हुआ जी, वहीं से एक बाइक भी जाती है, फिर भी किसी ने नहीं देखा। वो तो मैम नॉर्मली है, जैसे गाड़ी खड़ी भी हो सकती है तो किसी का ध्यान नहीं जाता। तो पीछे भी एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा, पीछे भी खड़ा हुआ एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ मैम, गाड़ी के नीचे है, अभी 6-7 मिनट लगाते हैं और सिलेंसर डिक्की में डाल के मैम ले जाते हैं। तो फिर तो जैसे आप देख सकते हैं कि वो 6-7 मिनट अभी इसमें लगा रहे हैं और एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा है, एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे है और वो साइलेंसर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से तभी एक बाइक भी जाती है जो इस पर ध्यान नहीं जाता है। इनका कहना है कि इनको किसी पे शक नहीं है, हो सकता है किसी की साजिश हो, किसी ने देखा हो कि भाई नई गाड़ी आई है, ऐसा भी हो सकता है। जी मैम, नई गाड़ी आती है ऐसे किसी को पता तो चलते है कि भाई वो जैसे एक दो दिन पहले देख लेते हैं भी नई गाड़ी आई है, तो अब आज यही है मैम सामान दिक्कत ज़्यादा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति इसमें से गाड़ी में से निकला था, इको गाड़ी के नीचे गया, उसका साइलेंसर निकाला और क्रेटा गाड़ी में पीछे से डिग्गी खोल के रखा और अब ये क्रेटा गाड़ी से यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो दो व्यक्ति आए और उन्होंने कितनी शातिर से ये चोरी करी आप देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो चोरी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं उस पे थोड़ा सा नजर रखा जाए, जो पुलिस है वो अपना काम सही से करे। तो आप क्या अपील करेंगे? मैम यही अपील है कि जो चोरों को पकड़ा जाए और जो सामान किया है जो बरामद किया जाए ताकि हमारा कम नुकसान हो, उसमें यही एसपी साहब से अपील करेंगे मैम। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये खबर आप तक पहुंच सके और आगे ऐसा लोग ना करें। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।